Some parts of this video might be muted due to copyright claim. Hi guys, my name is Tahir Farooq. And my name is Sabi Suhail. So thank God का दिवाली ट्रेलर आ चुका है और हम सिर्फ एक दिन लेट हैं, बट वही बात है कि लेट इज बेटर देन नेवर. सो थैंक गॉड के दिवाली ट्रेलर पर रिएक्शन व्यक्त करते हैं और ये हमने लिया है टी सीरीज से. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. अच्छा ये वो दिखा रहे हैं जो मरने के बाद जगह मिल गया. अजय देवगन कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप लोग? संस्कृत. मुझे संस्कृत नहीं आती है. देखा, इसलिए हम लोग ऐसे रहते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए. वो क्या रहा है? कौन हो तुम लोग? मैं सीजी. सीजी इनको बोल रहे हैं? अरे यार, इसे अमेज़न प्राइम के जमाने में हम तुम्हारे साथ एक गेम खेलेंगे. हमारे ऊपर भी गेम शो शुरू हो गए. पहले ऊपर ही शुरू हो गए. वो आपके वो सुपरस्टार है ना, लंबे से नहीं आए. गेम खेला, जीते, वापस चले गए. लेकिन हमारा आइडिया चुरा लिया. नीचे जाके अपना गेम शुरू कर दिया. अच्छा, कौन करेगा करोड़पति? गेम से सर. गेम से सर. अच्छा, एंटरटेनमेंट फिल्म है. और ये जो सेट था अभी लास्ट वाला सीजीआई सारा नहीं, सेट की बात कर रहा हूँ. सीजीआई से बनाना ये सेट जो है मैंने पहले देखा हुआ एक ड्रामा में और सेम वैसे ही सेट है ये. आई गेस वहाँ से आइडिया लिया हुआ है. अच्छा है फिर भी क्योंकि वो भी एक क्या कहते हैं उसको, फॉक टेल टाइप ड्रामा था जो कि टोटली हकीकत था, जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता. और ये भी वही है. ये तो एक ऐसे कि आपकी लाइफ के बाद जब आप डेथ होती है तो आप कोर्ट के सामने जब जाते हो तो आपसे कैसे सवाल होते हैं और आपको मतलब बताया जाता है कि आपने नर्क में जाना है या स्वर्ग में जाना है. ये है नर्क स्वर्ग. हाँ, आपने हेवन में जाना है, आपने हेल्थ में जाना है. मतलब बहुत मसाला और उसके साथ चटपटी चीज़ें. बस ये आपको एक फन और एंटरटेनमेंट क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट वे के थ्रू आपको प्रेजेंट किया जा रहा है. एक बहुत ही लाइक सीरियस टॉपिक को एक फनी वे में आपको दिखा है, प्रेजेंट किया जा रहा है कि लाइक कैसे उस बंदे की डेथ हुई है, उसके बाद उसका हिसाब किताब चल रहा है. डेथ हो गई है नहीं हुई? नहीं, एक्सीडेंट हुआ है. तो एक्सीडेंट से पहले का के बाद का वो मरहला दिखा रहे हैं कि अगर डेथ हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है. तो यहाँ पे उसको एक चांस दिया गया कि आया वो अभी इस फिल्म में उसको एक चांस दे रहे हैं कि वो गेम खेलेगा, जीतेगा तो वापस चला जाएगा अपनी ज़िंदगी में, अगर नहीं जीतेगा तो मर जाएगा. और फिर उसके जो हिसाब किताब है अमाल वट एवर ही हैज डन इन हिज लाइफ उस पर डिसीजन बेस्ड होगा हेवन और हेल का. और फिक्शनल बेस्ड पूरी स्टोरी अच्छी है और अनप्रेडिक्टेबल है आई गेस. मतलब ये कि मुझे अच्छा लगा कि इसमें मजाइए को मजाइए चीज़ों को बहुत लगा. जैसे वो डॉक्टर कहता है मेरी तबीयत फटी पड़ी है. उसके अलावा नौरा का अपने पिछले नौरा भी आई थी. उसके अलावा उसकी रेबल प्रीत का भी दिखाया जिस तरह वो मतलब उसमें कुछ उसकी अच्छी भी डेट्स भी होंगी जो दिखाई हैं बाद में. मतलब कुछ ऐसे काम भी करेगा जो उसके पर्पज जो उसका है ना. पहले मुझे लगता है कि वो भी पहला हाफ होगा ना उसमें उसका एक्सीडेंट हो जाएगा. उसके बाद उसमें दिखाया जाएगा कि तुम्हारी बुराई क्या थी, ये चीज़ें आएंगी. लेकिन कुछ ट्विस्ट टर्न्स भी तो होंगी, होंगी इतनी सारी मूवी भी नहीं होगी. और मूवी मतलब अजय देवगन की एक्टिंग मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है. अजय देवगन की जो आवाज़ है वो इतनी ऐसे है ना गरजदार, बंदा कहता है कि एक्टिंग नहीं है, नेचुरल है.
और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी शेरशाह के बाद डायरेक्ट इतने फनी अवतार में आए हैं, बहुत मजा आएगा देखते क्योंकि शेरशाह में इतना सीरियस रोल था विक्रम बत्रा का, और उन्होंने मेगा से 100% ही परफेक्ट तरीके से निभाया था, तभी तो फिल्म इतनी बड़ी सक्सेस थी। और बात अब ये है कि इसमें मतलब ना आपको बोर फिल्म नहीं देगी, इतना मुझे पता है क्योंकि जो है ना अजय देवगन की फिल्म हमेशा बोर नहीं देती। अच्छा ये फिल्म मेरे अभी माइंड में बात आई है, ये फिल्म थोड़ी थोड़ी भूतनाथ रिटर्न से रिजेंबल कर रही है। मैंने भूतनाथ रिटर्न नहीं देखी बट उसमें क्या नाम है अमिताभ बच्चन एक बच्चे की लाइफ बचाने के लिए, वो एक भूत होते हैं, वो एक बच्चे की लाइफ बचाने के लिए ऊपर जाते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, उसके लिए उनको एक चैलेंज मिलता है, वो क्या कह रहे होते हैं अच्छा। वो ना इलेक्शन लड़े होते हैं दुनिया में बीइंग अ भूत, तो उनको ऊपर चैलेंज दिया जाता है अगर आप दुनिया में वो इलेक्शन जीत जाओगे तो हम उस बच्चे को लाइफ ग्रांट कर देंगे, अगर आप वो जी हार जाओगे इलेक्शन तो वो बच्चा भी मर जाएगा, उसको भी ऊपर आना पड़ेगा और आप भी ऊपर आ जाओगे, और वो दुनिया को बदलने के लिए वो इलेक्शन जीतना चाह रहे होते हैं, मतलब लाइक वो क्या कहते हैं उसको ज़ेन से लव निकल गया, ये पॉलिटिक्स में जो वो जो बुरी पॉलिटिक्स जो होती है उसको खत्म करने के लिए, मुझे लव्स नहीं आया, करप्शन खत्म करने के लिए, इन चीजों को खत्म करने के लिए वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उम्मीदवार बनते हैं एज अ भूत, तो लोग उन्हें काफी सपोर्ट करते हैं फिर भी, बट काफी स्ट्रगल्स के बाद लास्ट में वो जीत जाते हैं और वो बच्चा ठीक हो जाता है। मुझे अभी अचानक ज़ेन में आया फ्लैशबैक कि ये उससे काफी रिजेंबल कर रही है, इसमें भी सिद्धार्थ मल्होत्रा जो इनकी जो एक्सीडेंट हो रहा है उनका, और उनको वो जो है ऊपर जाते हैं जहाँ भी मुझे इस जगह का नाम नहीं याद रहता वहाँ जाते हैं, उनको एक टेस्ट मिलता है क्लियर करने के लिए, और मेरा जहाँ तक आइडिया जा रहा है स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट वो फेल होते जाएंगे मगर लास्ट में कुछ ऐसा होगा जो जो कि अजय देवगन को बहुत पसंद आएगा, या फिर वो इनकी जो क्या नाम है अच्छाइयाँ उनमें बहुत ज़्यादा काम कर लेगा और वो उसके आगे जीत जाएंगे और वो इस लाइफ में वापस आ जाएंगे। हाँ मतलब कुछ ऐसी सही होंगी जो उनको नहीं बताऊँगी ट्विस्ट आएगा, लेकिन मुझे इतना लगता है कि दिवाली की मूवी आ रही है तो आई थिंक जो भी लोग होंगे वो देखना चाहिए क्योंकि इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट, फन टू वॉच, फनी, एक्साइटेड, आगे सस्पेंस भी होगा इतना भी। मगर एक बात है ये मूवी कोई लाजमी अच्छा मैसेज लेके आने वाली है, इट्स फॉर अ गुड मैसेज, दिवाली पे आ रही है इट मीन्स कि बहुत अच्छा मैसेज लेके आने वाली है, मस्ट वॉच मूवी है, आपने लाजमी देखनी है और हमें इसका फीडबैक भी देना है आपने। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब चैनल बिफोर लीविंग, आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।